मध्य प्रदेश ने अपना सीट मैट्रिक्स लॉन्च कर दिया है और वही हम आज ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, खासकर जो खास बातें हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कहने को वो बोलते हैं कि हम ओपन हो जाते हैं सेकेंड राउंड में, बट जैसा कि मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि मध्य प्रदेश में एक मेधावी छात्र योजना चलती है जिसमें तकरीबन 95% बच्चे मध्य प्रदेश की योजना के अंदर आई जाते हैं, और उस योजना के अंतर्गत सारी फीस हायर एजुकेशन की गवर्नमेंट पे करती है, इसलिए मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजेस फ्री हो जाते हैं, सेम इज गवर्नमेंट कॉलेजेस, इसलिए मध्य प्रदेश की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो इस वीडियो का कुछ बहुत तात्पर्य सच बताऊं तो नहीं रहता, बस ये पता चल जाता है कि मध्य प्रदेश कौन से सूट सीटों को देता है ऑल इंडिया कोटा के लिए, और शायद इससे ये पता चलता है कि ऑल इंडिया कोटा में कौन सी सीटें आती हैं। तो अगर आप फर्स्ट पेज पे ध्यान दें, जो मेरे पीछे आपको स्क्रीन पे नजर ही आ रहा है, बहुत फेमस जो मेडिकल कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के, भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर का गजराजा, देन इंदौर का MGM और जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र, फॉलोड बाय रेवा, मतलब ये वो हैं जो कि टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं एज फार एज सरकारी कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश इज कंसर्न्ड। बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफी हद तक नए खुले हैं और उनका उतना नाम नहीं है। तो ऑल इंडिया कोटा से हम अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे होते हैं मतलब दिल्ली साइड के या ऑल इंडिया साइड के, वो इन चारों ऑप्शंस को अक्सर ऊपर रखते हैं जब हम अपना फॉर्म भर रहे होते हैं फॉर ऑल इंडिया कोटा ऑप्शंस। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास इतनी सीटें अवेलेबल रहती हैं, तो गांधी, गजराजा, MGM और जबलपुर वाला, उसके अंदर भी आपको खुद ही लग रहा होगा कि जो पहले तीन है दे आर मोस्ट पॉपुलर। एक और जो खास बात है कि मध्य प्रदेश के तकरीबन ये जो टॉप पांचों सरकारी कॉलेज हैं, ये सेंट्रल पूल के अंदर भी सीट देते हैं। जो हम GOI आप देख रहे हो, इट इज नथिंग बट द सेंट्रल पूल, और मैंने कई बार कहा है कि सेंट्रल पूल के फ्रॉड से बचिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड बच्चे होते हैं जिनको एक सर्टेन क्राइटेरिया के बाद ही दिया जाता है, वो डिफेंस बैकग्राउंड या IFS बैकग्राउंड या उन यूनिट टेरिटरी से जहां पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं है या कम है। उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्वेशंस रहती हैं, सैनिकों के लिए रहती हैं, जो कि विद इन स्टेट कोटा आता है, और उसके बाद बाकी सीटें हैं। टोटल अगर हम देखें 63 माइनस कर लीजिए तो तकरीबन 2050 से करीब MBBS सीटें हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको पेज वन पे देखनी चाहिए ना, जो मैं मेरा एक और वीडियो है जो बहुत पॉपुलर है और बहुत कंट्रोवर्शियल है, अगर आप 1 से 14 तक लिस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ एक डेंटल कॉलेज है सरकारी, विच इज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर, जिसमें भी सिर्फ 63 सीटें हैं। तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं, MBBS कॉलेज हैं, तो एक BDS कॉलेज है, लेकिन वही जब प्राइवेट आता है तो खूब सारे आपको प्राइवेट BDS कॉलेजेस मिलेंगे। और जो मेरा वो बड़ा ही जो अनपॉपुलर और पॉपुलर वीडियो है जिसमें खूब लोग गालियां देते हैं, कि जिसमें मैं ये कहता हूँ लोगों को कि MBBS इज अ ग्रेट करियर, BDS आपको बहुत सोच समझ के करना है। आज के जमाने में BDS बिल्कुल BBA या BA की तरह हो गई है कि हर तीसरे के पास होता है, और अनलेस अंटिल आप सरकारी कॉलेज क्रैक कर पाए या टॉप क्लास प्राइवेट कॉलेज या आपके पेरेंट्स की कोई चलता हुआ डेंटल क्लिनिक है, उसके अलावा आपके लिए करियर बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा, अनलेस अंटिल यू आर ब्लेस्ड विद द फाइन हार्ट गिवन बाय द गॉड, किसी के पास भी हो सकता है। तो उसमें फिर आप एक एवरेज कॉलेज से पढ़ के भी बहुत तरक्की लाइफ में कर सकते हैं, अगर भगवान ने आपके हाथ में वो हुनर दिया है। नहीं दिया है तो फिर BDS बहुत सोच समझ के कीजिए, और शायद इस पहले पेज से वो चीज भी साबित होती है कि आपको कितनी ऑप्शन BDS की टोटल नजर आ रही है। तो ये एक हो गया आपके सामने जो इंटरेस्टिंग बात है कि इतने सारे MBBS में एक BDS कॉलेज है। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शुरू से ही शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन है वो बहुत हाई रहती है, तो जहां हम ऑल इंडिया में 7.5% मानते हैं, मध्य प्रदेश जो कि हम जानते ही हैं कि वो जो सेंट्रल मध्य प्रदेश का एरिया है और जिसके पिछले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाला गया था, और ये शायद इंडिया की वो बेल्ट है जहाँ काफी शेड्यूल ट्राइब रहते हैं अदर देन उड़ीसा एंड झारखंड, तो इसलिए 20% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब्स का होता है, 16% शेड्यूल कास्ट का होता है,
और ओबीसी के लिए इसलिए 14% ही बचता है, क्योंकि पहले ही जो मैक्सिमम रिजर्वेशन की लिमिट है 50% की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ओबीसी के लिए 14% रह जाता है। तो फिर ये 14 के 14 कॉलेज का सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। वंस अगेन कुछ खास बात नहीं है इसमें देखने के लिए कि ये स्टेट कोटा की सीट हो गई। और उसके बाद फिर से वही कि जो पहले पेज पे आया था कि फिजिकल हैंडीकैप सैनिक और फ्रीडम फाइटर की जो कॉलेज के अंदर कैटेगरी बाय कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि अब तो ऑल इंडिया कोटा के भी 4 राउंड होंगे, यही जो सीट होती हैं तो कई बार आप देखेंगे कि पीडब्ल्यूडी की 36 सीटें हैं टोटल, राइट। 36 बच्चे ही नहीं मिलते हैं ये सीट लेने के लिए। सो इसलिए मॉपअप राउंड में आकर ही ये सीटें कन्वर्ट होती हैं यस्टरडे मॉपअप में सरकारी के केस में फॉर दी जनरल स्टूडेंट्स। तो यू आर पीडब्ल्यूडी बनेगा, यू आर जनरल एच टी पीडब्ल्यूडी बनेगा एस टी, तो 18 सीटें सोचिए पीडब्ल्यू शेड्यूल ट्राइब के लिए, इतने बच्चे ही नहीं मिलते हैं। तो ये हमेशा इंडिया में रहता है, मतलब पीडब्ल्यूडी का थोड़ा ज्यादा रिजर्वेशन है, 5% हॉरिजॉन्टल इज अ लिटिल टू मच, उतने लोग ही नहीं है। फिर आ जाते हैं हम अपने प्राइवेट कॉलेजेस में, जो बिल्कुल 1600 सीटें है टोटल एमबीबीएस के अंदर। हम सिर्फ बात करें, अगर हम एमबीबीएस में जाएं तो जहां सरकारी कॉलेज में सीटें स्टेट के लेवल पे 1600 थी, 1570, उसमें अगर हम 47 हटा दें तो 1530 बनती हैं, और वही 1600 सीटें हमें मिलती हैं मेडिकल कॉलेज से। तो मोटा मोटी 50-50 रेशो है। पर जैसा मैंने समझाया है कि मध्य प्रदेश में उस मेधावी छात्र योजना से बहुत फायदा है, 15% हर कॉलेज में एनआरआई के लिए निकाली गई है, और ये सीटें भी लास्ट राउंड में आके कन्वर्ट होती हैं, मॉपअप में ही कन्वर्ट कर लेते हैं मॉपअप के बाद। और जो इस तरह का रूल मैंने आपको कल पीजी का भी बता रहा था कि इस बार जो नए नए रूल पीजी के आ रहे हैं, अब वो पीजी में फिलहाल एमसीसी में आया है, वो स्टेट्स उसको करेगा कि नहीं करेगा वो अभी गारंटी नहीं है। पर अगर आपको ध्यान हो कि कल जो एक मेजर चेंज मैंने आपको दिखाया था कि जो मॉपअप राउंड के बाद सीटें कन्वर्ट होती थी, अब वो मॉपअप राउंड के दौरान ही हो जाएगी, तो हमको स्ट्रे मॉपअप तक वेट करने की जरूरत नहीं है। याद है ये जो हमने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था ये वाला, लेकिन ये फिलहाल एनआरआई मुस्लिम माइनॉरिटी और मिनोरिटी के लिए है। तो पीडब्ल्यूडी के अंदर ये चीज अभी कन्वर्ट होगा मॉपअप में, ये अभी क्लैरिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आ जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये सीटें लास्ट तक बची रहती है, यही इसलिए मॉपअप में सरकारी मिलती है। तो जब भी हम सोचते हैं ना वो फलाना कॉलेज में लास्ट में सीट मिल गई थी, वो बेसिकली पीडब्ल्यूडी की सीटें होती हैं जो कन्वर्ट हो रही होती है सरकारी में। ये प्राइवेट हैं सारे कॉलेजेस मध्य प्रदेश के। वंस अगेन श्री अरबिंदो द मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज विच इज इन इंदौर, बहुत पॉपुलर है और टॉप क्लास में आता है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट कॉलेज एजुकेशन। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ खास इसमें देखने वाली बात नहीं है। वही हम जानते हैं कि शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 20% ऑलरेडी एमपी में था। बीडीएस सीटें देखिए दबा के बना रखी हैं, तो टोटल 1200 प्राइवेट कॉलेज की बीडीएस सीटें हैं। और जो इस वीडियो में बार बार कहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अल्लस एंटीला आपके पेरेंट्स का चलता क्लिनिक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करियर बनाना, अल्लस एंटीला आपके हाथ में कुछ खास बात है। तो बीडीएस में एडमिशन लेने से पहले 10 बार सोचिएगा। यही है सीट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा एक और आया था इंस्ट्रक्शन, में बता दूं कि वो सेम ही था कि ओबीसी की रिजर्वेशन 14% से ज्यादा नहीं मध्य प्रदेश में, तो उसके अलावा एक ही शेड्यूल भी आया था कुछ दिनों पहले, तो जिसमें मध्य प्रदेश ने बताया था कि हम किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे। आपको पता है कि जो उसका ओपन था वो आज रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा, जो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट है वो कह रहे हैं 13 तारीख को निकाल देंगे। चॉइस फिलिंग जो हमें करनी है, ध्यान रखना है, 14 से 17 तारीख के बीच में खुलेगा 4 दिन के लिए। और मैं बार बार लोगों को ये समझाता हूँ कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो समय का पता ही नहीं चलता, पता चलता है कि 3-4 दिन के लिए आप कहीं घूमने चले गए, कहीं गायब हो गए, और चॉइस फिलिंग की डेट ही निकल गई। इसलिए मैं हमेशा पेरेंट्स को समझाता हूँ कि जरूर एक आप काउंसलर को हायर करके रखिए, क्योंकि तो हमारा तो काम ही यही है। और जो मेरे जैसे और भी लोग हैं, हम तो 2 महीने कहीं नहीं जाते और हर रोज सुबह उठ के सारे स्टेट्स की सारी वेबसाइट चेक करते हैं, बट आप लोगों को हैबिट नहीं होती है, और इसमें 15-15 दिन का टाइम नहीं मिलता है।
अलॉटमेंट 20 तारीख को देंगे, और देखिए 5 दिन के अंदर अंदर फिर से 5 भी मतलब 4.5 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना है। एंड देन उन्होंने ये भी कहा है कि जिसको अगर अपग्रेडेशन अलॉट करना है तो आप हाथ की हाथ बताएंगे कि क्या आप इस सीट से खुश हैं या आप अपग्रेड करना चाहते हैं। आपको मैंने शुरू में बताया था कि मध्य प्रदेश में वो चीज ध्यान रखिएगा, फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपको पहले राउंड में सीट मिलती है और आप नहीं लेते हैं तो फॉरगेट अबाउट बाकी चीजें, आप कौशनी के बाहर हो जाएंगे। तो फ्री एग्जिट इसमें बड़ी ये बड़ी खतरनाक है कि अगर आपको सीट मिली और आपने सीट नहीं ली तो आपको कौशनी से डिबार कर दिया जाता है। ये देखिए याद है फैक का जो प्रश्न 5 था, कौशनी के लिए पात्र ही नहीं रहेंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में मजाक में सीट नहीं लेनी है, चाहे आपको अगर फर्स्ट राउंड में प्राइवेट सीट मिल गई और आप ये सोचते हैं कि हम सरकारी का ट्राई करना चाहते हैं, जो बाकी सब स्टेट्स में होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पर किसी कंसर्न तो है नहीं, बट आपके मार्क्स अच्छे और आप सरकारी में पढ़ना चाहते हो, एक वो है। और लेट से आपको भाई औरबिंदो इंदौर मिल गया है और आप ये सोचते थे कि नहीं मैं तो आपको लेना पड़ता है। ऑफकोर्स आप अपग्रेड के लिए मांग सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सीट छोड़ ही दी है, तो आपको सीट तो लेनी पड़ेगी वरना बाहर हो जाओगे, राइट। तो ये सब बातें आई थी, इन सब का ध्यान रखना है। और बस मध्य प्रदेश की काउंसलिंग बिल्कुल तैयार है और फिर देखते हैं क्या होता है। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।